एलिगेशन में एलिगेशन है कि इसमें कई सौ करोड़ का घोटाला बोर्ड में हुआ है। माननीय न्यायालय ने जो कहा है उसका पालन किया जाएगा। यही वो कर्मकार कल्याण बोर्ड है जिसके चलते यहाँ एक एक नहीं दो दो मुख्यमंत्रियों को अपना पद गंवाना पड़ा। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सुना है ना आपने? जीरो टॉलरेंस, ये भी सुना होगा। चाल चरित्र और चेहरा, ये भी सुना होगा। लेकिन इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर उत्तराखंड के सियासी गलियारों में गूंज रही है, गूंज रही है या वाकई में गुम हो चुकी है। उत्तराखंड में कर्मकार कल्याण बोर्ड में हुए भ्रष्टाचार का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज ये विवाद क्यों, ये सवाल क्यों? दरअसल नैनीताल हाई कोर्ट ने कल्याण बोर्ड में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। भाइयों बहनों, कोर्ट में जब इस मामले पर सुनवाई हुई तब कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट ने कहा कि देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और पौड़ी के डीएम यानी कि जिला अधिकारी अपने संबंधित जिलों में हुए घोटाले की जांच रिपोर्ट पेश ही नहीं कर रहे, वो भी तब जब राज्य सरकार की ओर से संबंधित जिला अधिकारियों को, जितने भी डीएम थे उनको 4 महीने पहले जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बाद एक और जहां विपक्ष राज्य सरकार पर हमलावर हो रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष कार्रवाई का दावा कर रहा है। आज इसी मुद्दे पर उत्तराखंड पूछेगा अपने सवाल, उठाएंगे उत्तराखंड की आवाज। फेसबुक पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं और हम इसे अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी, कांग्रेस, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी और वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर सीधा रुख करेंगे उन महत्वपूर्ण सवालों की तरफ जो उत्तराखंड पूछता है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में चुनावी साल के बीच सरकार की एक बार फिर से कर्मकार कल्याण बोर्ड में हुए घोटाले मामले ने टेंशन बढ़ा दी है। टेंशन क्यों, तो अब वो भी जान लीजिए। दरअसल हाई कोर्ट ने कर्मकार कल्याण बोर्ड में भ्रष्टाचार के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल के डीएम को रिपोर्ट तलब करने की जिम्मेदारी पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्रवाई की रिपोर्ट 8 दिसंबर से पहले कोर्ट में पेश करने के लिए कह दिया है। याचिकाकर्ता काशीपुर निवासी खुर्शीद अहमद की ओर से बताया गया कि उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी में जिला अधिकारी अपने यहां हुए घोटालों की जांच रिपोर्ट पेश नहीं कर रहे हैं, जबकि सरकार ने उन्हें जांच के आदेश 4 महीने पहले दिए थे। पूर्व में सरकार की तरफ से एक जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए बताया गया था कि 20 करोड़ रुपए का गबन नहीं हुआ है। जो रकम थी वो विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से किसी दूसरी कंपनी को दे दी गई, अब वो सरकार के खाते में जमा हो गई है। बोर्ड के जिन अधिकारियों के कारण ये हुआ, सरकार उन पर कार्रवाई करने की अब बात कह रही है। जिन अधिकारियों ने लापरवाही की उसमें तत्कालीन सचिव दमयंती रावत, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कर्मचारी बीमा निगम डॉक्टर आकाशदीप, मुख्य फार्मेसिस्ट बी एन सेमवाल, वरिष्ठ सहायक नवाब सिंह शामिल है। पिटीशन में एलिगेशन है कि इसमें कई सौ करोड़ का घोटाला बोर्ड में हुआ है और इसमें सरकारी धन की बहुत बंदरबांट हुई है। उस पर आज कोर्ट ने कविडेंस लिया है जिसमें ये कहा है कि सरकारी आदेश के बावजूद जो 4 जिले हैं, हरिद्वार, पौड़ी, देहरादून और उधम सिंह नगर, इनके जिलाधिकारियों ने अभी तक भी 6 महीने से ज्यादा हो गए अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। तो आज सरकार को ये डायरेक्शन दिया है कि 1 तारीख तक इन चारों जिलाधिकारियों से रिपोर्ट सबमिट करें और उस पर क्या एक्शन सरकार ने लिया है। 7 तारीख तक वो सरकार ने एक्शन लेना है और 8 तारीख को कोर्ट में उसकी
सुनवाई। आपको बता दें जो आरोप है वो बेहद गंभीर है। आरोप ये कि साल 2020 में कर्मकार बोर्ड में श्रमिकों को टूल किट, सिलाई मशीन और साइकिल देने के लिए तमाम समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए गए थे, लेकिन इनको खरीदने में बोर्ड के अधिकारियों ने वित्तीय अनियमितताएं की। जब इसकी शिकायत की गई तो अक्टूबर 2020 में बोर्ड को भंग कर दिया गया और बोर्ड का नया चेयरमैन शमशेर सिंह को नियुक्त किया गया। चेयरमैन ने जांच कराई तो घोटाले की पुष्टि हुई, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं इस मामले पर अब सियासत गरमा रही है। मौसम चुनाव का है, ऐसे में बीजेपी संभल कर चल रही है। बीजेपी दुहाई दे रही है, फिलहाल वो कई कार्यक्रमों में व्यस्त थी, लेकिन अब राज्य सरकार किसी को बख्शेगी नहीं। वहीं कांग्रेस ने सरकार से कोर्ट के आदेश का पालन करने की गुजारिश की है। हमारी सरकार सुशासन की सरकार है, पारदर्शिता के साथ हर काम को करना चाहती है। माननीय न्यायालय ने जो कहा है उसका पालन किया जाएगा और निश्चित रूप से उसका पालन किया जाना चाहिए। तो जो कर्मकार बोर्ड में जिस तरह की, अगर मुझे लगता है कि जो भी उसमें जिस तरह की जो भी बातें सामने आ रही हैं उनको जनता और सबके सम्मुख आना चाहिए। हर जिस विषय पर जहां पर भी किसी भी प्रकार की ये लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है या किसी भी प्रकार की कोई आशंका है, तो उस आशंका को निर्मूल साबित करने के लिए उसकी जांच होनी चाहिए और जो दूध का दूध है पानी का पानी है उसको अलग हो जाना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यही वो कर्मकार कल्याण बोर्ड है जिसके चलते यहाँ एक एक नहीं दो दो मुख्यमंत्रियों को अपना पद गंवाना पड़ा। दरअसल अगर आप तह में जाएंगे कि त्रिवेंद्र रावत जी और तीरथ रावत जी के जाने का कारण क्या रहा, वो यही नूरा कुश्ती रही, यही कर्मकार कल्याण बोर्ड रहा, क्योंकि इसमें एक बड़े लेवल पर घपले घोटाले की बदबू आ रही थी और इनके खुद के अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्ताल ने ये बात कहा कि विभागीय मंत्री भी उसमें शामिल है। कुल मिलाकर राज्य सरकार को चाहिए कि वो कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए कार्रवाई करे। देखना होगा कि कब तक राज्य सरकार इस मामले पर अपना डंडा चलाती है। देहरादून से न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए सुभाष गौड़ की रिपोर्ट। तो देखा आपने, सवाल कही है और इन सवालों का जवाब आज हम तराशेंगे। सीधा रुख करेंगे इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। संजीव वर्मा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं जो कि मीडिया प्रभारी है, बीजेपी के वरिष्ठ चेहरों में से एक है। बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीव जी। विमला जोशी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। साथ ही साथ हमारे साथ रविंद्र आनंद जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। साथ ही हमारे साथ जयसिंह रावत जी जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और उत्तराखंड की नब्ज को बाखूबी समझते हैं, जानते हैं और बहुत लंबे समय से उत्तराखंड को कवर कर रहे हैं। मैं सबसे पहले संजीव वर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा और इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। संजीव जी, मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? संजीव जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूं। संजीव जी बोलिए। संजीव जी को ऑडियो नहीं जा रहा, कनेक्ट करते हैं दोबारा से। संजीव जी के पास मैं जाऊं, लेकिन उससे पहले विमला जी, आपको क्या लगता है कि वाकई में यह मसला सरकार की कमजोर नब्ज है क्या? हेलो विमला जी, ये सरकार की कमजोर नब्ज है आपको लगता है? ओके, जयसिंह रावत जी, सर मैं आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करता हूं, तब तक हम अपने मेहमानों को इस तरफ जोड़ेंगे। ये मसला क्या वाकई में इतना गंभीर है कि सरकार के आदेश के बावजूद डीएम अपनी रिपोर्ट कोर्ट में नहीं देते? निश्चित रूप से बहुत गंभीर मामला है। आपको याद होगा कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरे सिंह रावत के बीच में जो टसल है वो आज की नहीं है, मतलब बहुत पुरानी है। जब पढ़ते थे तब से इनकी है, आपस में बनती नहीं है। तो बहरहाल जब ये बीजेपी में चले गए त्रिवेंद्र सिंह रावत और मुख्यमंत्री बन गए, त्रिवेंद्र सिंह और हरक सिंह बीजेपी में गए, तो उनको तो वहां भी उनके टसल बीच में चलती रही। वह ये है कि अगर इन दोनों के बीच में टसल नहीं होती, अगर रिश्ते सामान्य होता तो कई और घोटालों की तरह ये भी दब जाता है ना। उसमें उन्होंने क्या कहा था भाई, यहाँ घोटाला हुआ, सबसे पहले कर्मकार बोर्ड को भंग किया गया
और भरत सिंह रावत इसके चेयरमैन होते थे, क्योंकि मिनिस्टर थे तो परंपरा ये थी कि इनका बोर्ड का चेयरमैन ही मिनिस्टर हो, कैबिनेट मिनिस्टर होगा, तो कैबिनेट मिनिस्टर को हटा के अपना त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मिस्टर सत्याल जो थे सत्याल उनको उसका चेयरमैन बना दिया था। उसके बाद क्या हुआ, जो उनका चल रहा वो एक दूसरे पर आरोप मतलब बेनकाब करते रहे, सत्याल इनको करते रहे ये वो करते, उसके बाद ये मामला पूरा उठा। तो फिर उसमें ये करोड़ों का घोटाले का तो है ही है, उसके बाद इसमें ये भी है कि इन्होंने जो साइकिलें बांटी और सारी चीजें बांटी ऐसे अपात्रों को बांटी, मतलब वो पहाड़ पे भी उस जगह ऐसी यंत्र बांटते जो आज चलते नहीं है। तो हुआ क्या, फिर हरक सिंह के जो समर्थक थे उन्होंने कहा भाई ये लो, ये फला मिनिस्टर को लिस्ट दे दी उन्होंने कि देखो हमने इस मंत्री को भी दिया, इस विधायक को भी दिया, और कौन है जिसमें जिस बैठी गंगा में बीजेपी के नेताओं ने हाथ नहीं धोए। उसके बाद मामला थोड़ा रहा। अब सवाल, कुछ दिन पहले इससे पहले जो हियरिंग हुई थी तो सत्याल हाईकोर्ट में गए थे, उन्होंने भी आरोप लगा, क्योंकि सत्याल और हरक सिंह में बन नहीं रही थी, शुरू से नहीं है, और हरक सिंह ने जब अपना दिखाया दमखम दिखाया तो सत्याल को बाहर करा दिया है ना, तो इस वजह से वो भी उसमें चल रहा था। आज सवाल ये हो रहा है कि अगर आपको हरक सिंह को साथ रखना है, चुनाव का वक्त है, तो आपको उनको नहीं छेड़ना है, और उनको आप छेड़ेंगे तो वो समझ रहे हैं वो बिल्कुल ही सब फेंसेस जिसे कहते हैं कभी भी कूद सकते हैं, एक तो कूद जाएंगे, दूसरी बात उनके पास पूरी लिस्ट है, वो कहते हैं कि उनका ऑफ द रिकॉर्ड बात ये है कि न जाने किस किसने बैठी गंगा में हाथ धोया है। हाँ। अकेले मतलब ये हरक सिंह रावत के दबाव में इस वजह से चार डीएम खामोश बैठे हुए हैं, आपको ऐसा लग रहा है? यस निश्चित, आप आजकल आपने देख लिया होगा कि आप देखिए कैबिनेट मिनिस्टर आप वहां मोदी जी के पास किसको ले जा रहे हैं, हरक सिंह रावत को लेके जा रहे हैं, केदारनाथ में आपने देख लिया हरक सिंह रावत का रुतवा देख लिया, जब अमित शाह आए तो उनका रुतवा और कोई बाहर कोई दूर दूर अमित शाह के साथ खाना खाना चाय पीना उधर जाए जहां भी जाए उनके, तो हरक सिंह रावत को इतनी इंपॉर्टेंस मिली हुई है जो आजकल मिली हुई है, तो इस स्थिति में क्या आपको कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार क्या कहते हैं। ओके मैं पूछ लेता हूँ संजीव वर्मा जी, अब मेरा ऑडियो आया सर आपको, संजीव वर्मा जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप जी संजीव वर्मा जी, ये जो मसला है, ये मसला है क्या वाकई में आप लोग इसे गंभीरता से ले रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि सरकारी आदेश के बावजूद डीएम अपनी रिपोर्ट क्यों नहीं पेश कर रहे हैं, वजह क्या है? संजीव वर्मा जी देखिए इस तरह से बात सुन पा रहा हूं जी, बोलिए। इस तरह से ने आदेश दिया है कोर्ट ने आदेश दिए क्या हम न्यायपालिका पर अपनी तरफ से इसके जो भी अधिकारी का कोशिश कर रहे हैं जो लोग कार्यवाही नहीं करते हैं। अच्छा अधिकारी कार्यवाही नहीं कर रहे, कड़ी से कार्यवाही की जाएगी सर। सर आप तो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जीरो टॉलरेंस, चाल चरित्र और चेहरा, लोकायुक्त की चलिए उत्तराखंड में जरूरत नहीं है, मान गए आपकी बात, लेकिन इस मसले पर सरकार का आदेश और आदेश के बावजूद अगर डीएम अपनी रिपोर्ट नहीं दे रहे तो फिर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए क्या? सर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की सरकार है हमारी। सर बोलने से नहीं होता ना, करके दिखाना पड़ेगा जीरो टॉलरेंस। तो इसका मतलब मैं ये मान लूं कि सरकार के आदेश पर डीएम काम नहीं करते, जो सरकार जो आदेश जारी करती है वो डीएम सुनते नहीं है, इसका मतलब ये हुआ? सर जो भी व्यक्ति इसमें का उस की भी तुरंत में वो चली जाएगा। सर मैं कैसे मान लूं जब सरकार के आदेश के बावजूद डीएम कोई कदम नहीं उठा रहे, तो इसका मतलब यह हुआ ना कि वो सरकार की भी नहीं सुन रहे, या फिर इसका मतलब यह हुआ जो जय सर बता रहे हैं कि भैया विभागीय अधिकारी के दबाव में कार्रवाई नहीं हो रही, विभागीय मंत्री के जो दबाव है इसका मतलब उसमें कार्रवाई नहीं हो रही, इसका मतलब तो यही हुआ। सर हम सिडकुल घोटाले की भी, हम NH-74 घोटाले,
सर आप 56 घोटाले की भी बात करिए जो तिवारी जी के वक्त था, मैं तो कह रहा हूं कि एक एक घोटाला खोलिए, डेजा भी प्रकरण भी करिए और कुंभ भी करिए, सब कुछ करिए, लेकिन मुझे इतना तो बताइए सर, ये आदेश क्यों नहीं मान रहे अधिकारी आपके? कि केंद्र में दे रही है केंद्र बिंदु भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस। सर अब वो कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना, आप कह रहे भ्रष्टाचार की, फिर छोड़िए देहरादून के परेड ग्राउंड पर जो स्कूटर के नंबर गिनवाए थे, फिर मैं उस पर भी आ जाऊंगा। खैर विमला जोशी जी, आपको क्या लगता है कि मसला क्या है, क्यों नहीं अधिकारी सुन रहे, या सुनना नहीं चाहते, या उन्हें सुनने नहीं दिया जा रहा डीएम साहब को कि मत सुनिए, ना बुरा देखिए, ना बुरा बोलिए, ना बुरा सुनिए, चल क्या रहा है उत्तराखंड में? ओके रविंद्र आनंद रिएक्ट करना चाह रहे, रविंद्र आनंद जल्दी से। देखिए ऐसा है कि कर्मकांड बोर्ड की अगर हम बात करें तो पूरा बोर्ड जो है वो भ्रष्टाचार से लिपटा हुआ है, और इसकी बात मैं नहीं कह रहा, खुद बोर्ड के अध्यक्ष यूके बीओसीडब्ल्यू के बोर्ड के अध्यक्ष ने ये बात कही है कि घोटाला हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से बोर्ड का अध्यक्ष और मंत्री आपस में खींचतान करते रहे, बराबर अखबारबाजी होती रही, और 20 करोड़ रुपए की रकम एक कंपनी को दे दी जाती है, उसके बाद मंत्री का बयान आता है कि हमने रकम लौटा दी, वो गलती से चली गई थी। तो मुझे आप एक बात बता दें संजीव वर्मा जी, कि अगर कोई चोरी कर ले 20 करोड़ रुपए की और वापिस 20 करोड़ रुपया वापिस कर दे तो क्या वो चोर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो डीएम वाली आपने कही, देखो डीएम साहब रिपोर्ट कहां से देंगे जब आपके जो एलईओ है, जो लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, वो जांच ही नहीं लगा रहे। वो जांच इसलिए नहीं लगा रहे कि उनके पास जांच लगाने के लिए कुछ नहीं है। पूरी की पूरी आपकी सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है, आपके एलईओ ने पैसा इकट्ठा करके आपकी सरकार को त्रिवेंद्र सरकार को दिया, और त्रिवेंद्र सरकार ने केंद्र सरकार को दिया, ऐसी आपकी केंद्र की सरकार चल रही है। नहीं नहीं, आप जयसिंह रावत जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, मुझे एक बात बताइए रविंद्र जी, जयसिंह रावत जी कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत का दबाव है जिस वजह से डीएम भी खामोश है, सरकार भी चुप है, आपको लगता है ये हरक सिंह रावत का इतना दबाव है क्या? देखिए हरक सिंह रावत का दबाव तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने एक बात और कही, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, इन्होंने कहा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है बीजेपी का जिसने इस बहती गंगा में हाथ ना धोयो, खुद त्रिवेंद्र जी के यहाँ 600 साइकिल बटी हैं डोईवाला में, इसका आज तक कुछ अता पता नहीं है। नहीं पता, ओके तो ओके ओके विमला जी, अब आ रहा मेरा ऑडियो आपको? जी जी आ रहा है जी। विमला जी आपको क्या लगता है, 6 महीने से ज्यादा हो गए रिपोर्ट पेश नहीं कर पाए, वजह क्या लगती है आपको? 6 महीने से ज्यादा और सब खामोश है। रिपोर्ट इसलिए नहीं पेश कर पाए क्योंकि सारे लोग तो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जहां एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं वहां पूरी तरीके से। आप बताइए ना, आज तो ये कामगार वाली बात है, आज कहते हैं श्रम कामगार की नहीं, मैं तो ये कहना चाहती हूँ सहकारिता विभाग में भी घोटाले हुए हैं, लोकायुक्त के जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उनमें भी घोटाले हुए हैं, और इसमें भी बताइए लोकायुक्त के जो अपॉइंटमेंट हुए थे उनको लेकर आज हाईकोर्ट में जनयाचिका दायर करी गई है। उसके लिए बताओ सरकार को, कोर्ट ने सरकार को इतनी बुरी तरीके से लताड़ा है, आप बताइए किस तरीके के आप जीरो टॉलरेंस की बात करें, पूरी तरीके से तो आपकी सरकार उसने भ्रष्ट। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताइए विमला जी, विमला जी देखिए देखिए, आपकी सरकार तो, आपकी हरीश रावत की सरकार तो उस वक्त हरक सिंह रावत के दबाव में थी, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल थी, क्योंकि सत्ता जूते की नोक पे होती थी, सत्ता जूते की नोक पे होती थी, सत्ता जूते की नोक पे होती थी। मैं नहीं कह रहा हरक सिंह रावत बोलते थे कि मेरे जूते की नोक पर सत्ता, आज आज आप हरक सिंह रावत को लेकर ये कह रहे हैं कि उनके दबाव में सरकार है, हरक सिंह रावत के दबाव में तो आप भी रहे, दबाव में काम नहीं है, हरक सिंह रावत के दबाव में आप भी रहे, आज भाजपा शासन में विमला जी, ये किसने कहा कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, जिसको जितना लूटना है। आंखें बंद हमने करी नहीं, आंखें हमने बंद है, आंखें हम खोल करके बात कर रहे हैं, आंखें खोल के बताना चाहते हैं आपको कि आज भाजपा सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है,
पूरी तरीके से भाजपा सरकार ओके संजीव वर्मा जी संजीव वर्मा जी करेक्ट हो गए दोबारा संजीव वर्मा जी मैं जय सिंह रावत जय सर ने ऐसी नफ पकड़ी जय सर ने ऐसी नफ पकड़ी कि आप सब लोग परेशान हो गए जय सर ने बताया कि हाँ ये हरक सिंह रावत का दबाव है तभी ये परेशानी हो रही है तभी ये परेशानी हो रही है एक सेकंड संजीव वर्मा जी अब मेरा ऑडियो आ रहा है आपको संजीव वर्मा जी का ऑडियो प्लीज कनेक्ट करिए दोबारा से प्लीज जय सर मुझे एक बात बताइए कोर्ट ये कह रहा है अब कोर्ट ने कहा कि भाई एक तारीख तक रिपोर्ट पेश करे डीएम सारे और उसके बाद 7 तारीख तक सरकार ने क्या एक्शन लिया है वो कोर्ट को बताए अब ऐसे मामले में आपको लगता है कि अब सरकार इस पूरे मामले पर फंस गई है बिल्कुल फंस गई है अब ये समझिए कि आचार संहिता लग जाएगी दिसंबर में 15-16 के बाद 20 के बाद तो लगने ही लगभग हो जाएगी अब सरकार इस धर्म संकट में है अगर जांच कराती है तो मुसीबत और न कराए तो मुसीबत और अगर अगर ये जांच कराते हैं हरक सिंह के खिलाफ कोई बात होती है हरक सिंह छोड़ जाएंगे और हरक सिंह ये कहेंगे कि देखो जब मैंने छोड़ा तब तुमको मैं भ्रष्ट नजर आया हाँ। और जब तक मैं तुम्हारे साथ था तुमने कहा मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं की तब तक क्या कहते अच्छा जैसे वो विक्टिम कार्ड जेल में रखते हैं जैसे विक्टिम कार्ड जेल में रखते हैं कि हरीश रावत ने मेरे ऊपर ये तब किया जब मैंने उनको छोड़ दिया अब इस बात की मुझे एक थोड़ा सा डाउट है जैसर मुझे वो डाउट क्लियर करिए वो उत्तराखंड भी जानना चाहता है और हरक सिंह रावत का इतिहास रहा है जिस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते अगली बार लड़ते नहीं है उससे अब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक संकेत उसमें यह भी छिपा हुआ है कि भैया इस सीट से नहीं लड़ूंगा और अगली सीट से लड़ूंगा ये वाले पे मन भर गया मेरा हाँ ये भी बात चल रही है कि वो कोटद्वार से लड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि कोटद्वार से अभी उनका है वो शायद दुदोई वाला या कहीं और दूसरी जगह से लड़ना चाहते हैं और खुद ही नहीं लड़ना चाहते हैं बल्कि 2-3 टिकट और चाहते हैं भाई हरक सिंह जो भी हो छोटा मोटा नेता तो नहीं है बिल्कुल तो चाहेंगे 2-3 जगह से वो टिकट चाह रहे हैं जब बीजेपी दबाव में आ सकती है तो फिर तो हरीश रावत का भी दबाव है बीजेपी ने अगर इंक्वायरी अगर कुछ नहीं की वो इंक्वायरी शुरू कर दी तो समझो उन्होंने जंप कर डाला और जंप कर डालेंगे तो उनके लिए बोलने के लिए हो जाएगा देखिए अब तक मैं इनके साथ था मेरे खिलाफ तो कुछ इनको जैसे ही मैंने क्या कहते हैं पार्टी छोड़ी अब ये ओके रविंद्र आनंद जी इत्तेफाक रखते हैं जय सिंह रावत जी जो बात कह रहे हैं जी पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं बल्कि मैं इत्तेफाक ही नहीं रखता मैं दावे के साथ इस बात को कहता हूं कि दिसंबर के महीने में 8 से 10 नेता बीजेपी छोड़ने वाले हैं कांग्रेस में जाने वाले वो नेता होंगे देखिए वो कहां जाएंगे मैं ये तो नहीं कहूंगा वो आपके पास तो नहीं आएंगे ये भी कंफर्म है आप जानते हैं कि आपके द्वार पर नहीं आएंगे हमने तो दरवाजे बंद कर दिए क्योंकि आपने दरवाजे बंद कर दिए कोई आ ही नहीं रहा सर गेट तो खटखटाए कोई गेट ही नहीं खटखटा रहा कोई खटखटाएगा ना क्योंकि हमने तो अपना फेस क्लियर कर दिया सर आपने फेस क्लियर नहीं किया आपने पहले कहा कि जो आना चाहे आ जाए लेकिन कोई आया नहीं तो आपने कहा कि अब नो एंट्री का कर्नल कोठियाल जी के नेतृत्व में जो आना चाहे आ जाए लेकिन मुझे लगता है कि कर्नल कोठियाल जी के जो इतने ईमानदार हैं और जिन्होंने देश की सेवा की है मुझे लगता कि कोई भी भ्रष्ट आदमी उनके अंडर में काम ओके संजीव वर्मा जी अब आया ऑडियो मेरा बीजेपी तो संजीव वर्मा जी ऑडियो नहीं आ रहा विमला जी ये कह रहे हैं कि कोई ना कोई आना चाहे जो आ जाए कोई मना नहीं है लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा हूं कि जीरो टॉलरेंस का दावा आप लोग इसे मुद्दा क्यों नहीं बना रहे मैं समझ नहीं चाह रहा सिर्फ उत्तराखंड ये जान रहा है कि अगर ये मुद्दा है तो आप लोग इस मुद्दे को लेकर इतना खामोश क्यों है वजह क्या है नहीं हम इस मुद्दे को लेकर खामोश नहीं हम इस मुद्दे को लेकर के नहीं लोकायुक्त को लेकर के भी हम जनता के बीच में जाएंगे और हम मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहते हैं मैडम मुद्दा वो लेकर जाओ जब मौका था तो तब किया क्यों नहीं जनता ये भी तो पूछेगी ना विमला जी आज मौका है आप कह रहे कि हम कर देंगे जब मौका था तब क्यों नहीं किया आप मुद्दे जाइए ये मुद्दे पर आप लोग चुप क्यों हैं दाल में काला है तो इसका मतलब वो दाल जो है आपने ही खाई है आप देखिए मुद्दे पे चुप नहीं है आपने देखा मुद्दे पे चुप होते तो हम आपके साथ डिबेट में नहीं बैठते आपके सामना करना चाह रहे नहीं मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम अगर मुद्दे पे नहीं आते तो हम आपके साथ डिबेट में नहीं बैठते
आपके साथ डिबेट में बैठे हैं, इसलिए कि हम इस मुद्दे को आपके माध्यम से उठाना चाहते हैं। जब आपके माध्यम से उठेगा तो हम जनता के बीच में भी जाएंगे इस मुद्दे को लेकर। ओके रविंद्र, कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं जयसर आपके पास आ रहा हूं। उत्तराखंड मुक्त विश्व, बोलिए रविंद्र जी, क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर सामने आया है, हमारा ये साफ कहना है कि जो बीजेपी की अभी की सरकार है, ये बीजेपी और कांग्रेस की मिली जुली सरकार है। आप देखिए कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी का जरूर है, लेकिन आज भी जो मंत्री हैं वो कांग्रेस के हैं, जिनका पूरा दबदबा है, पूरी सरकार को कांग्रेस चला रही है और चेहरा बीजेपी का है। इसी प्रकार से अब ये अगर पलटी मार जाते हैं तो जनता समझ चुकी है कि बीजेपी कांग्रेस मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आगे पीछे दोनों वही नेता हैं, वो बीजेपी में चले जाते हैं, वही कांग्रेस में आ जाते हैं। चलिए ठीक है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वही बीजेपी, आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए ना इस मुद्दे पर, चलिए आप, चलिए कांग्रेस का खामोश है, आप क्यों खामोश है ये तो बताइए जी, आप क्यों खामोश है इतने? देखिए हम तो बराबर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, हम बराबर पीसी सर, ये बोर्ड भंग हो गया, बोर्ड में घोटाला हो गया, पैसे वापस देने की बात आ गई, 6 महीने से ज्यादा हो गए रिपोर्ट पेश नहीं हुई, आप लोग चुप है, कर्मकार कल्याण बोर्ड के नाम पर आप लोग खामोश क्यों, मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखिए हम, मैंने आपसे पहले भी कहा, हमने 70 की 70 विधानसभाओं में हमारे कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर के कई बार धरने प्रदर्शन किए हैं, तभी ये बात उजागर हुई और तभी इस पर जांच बैठी, और आज चूंकि संजीव वर्मा जी मेरा ऑडियो आया, आप देखेंगे तो कोर्ट ही चला रहा है उत्तराखंड को। मेरे ख्याल से जयसिंह रावत जी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, 5 साल में जो भी बड़े निर्णय हुए हैं वो कोर्ट ने ही लिए हैं। नहीं, वो तो बात है, गलत है, वो तो कोर्ट पहले भी निर्णय लेता हुआ है, इस बार थोड़े ज्यादा ले लिए तो क्या हुआ, क्यों विमला जी? लेकिन एक बात, जयसर शमशेर सिंह ने शायद कहा था ना कि विभागीय मंत्री भी इसमें शामिल है, अगर मैं गलत नहीं तो। हाँ, उन्होंने एक काउंटर एफिडेविट दिया था हाईकोर्ट में, दिया था कि भाई मैं भी इसमें पार्टी बनना चाहता हूँ क्योंकि मिनिस्टर भी इसमें इन्वॉल्व है, ये बात हुई थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आज असली मुद्दा अगर लोकायुक्त होता तो ये सारे, अगर सरकार नहीं भी करती तो कोई भी पब्लिक का आदमी, आप जाते, मैं जाता, कोई भी जाता, इसकी निष्पक्ष जांच हो जाती, और वो तो मंत्री की भी होती है, सभी की जांच हो जाती है। लेकिन सरकार ने, जब बीजेपी ने कहा था कि हम 100 दिन के अंदर, सत्ता में आने के 100 दिन के अंदर हम अपने लोकायुक्त का गठन कर देंगे, अब लोकायुक्त का गठन करना तो रहा दूर, जो पहले से लोकायुक्त एग्जिस्ट कर रहा था, जो कानून एग्जिस्ट कर रहा था उसे भी खत्म कर दिया, मतलब लोकायुक्त तो आए ही नहीं। पहले आप जानते हैं कि जो उत्तराखंड की विधानसभा ने, पहली विधानसभा थी जिसने पार्लियामेंट ने जो पास किया था, नहीं बिल्कुल सही, पता नहीं क्यों खंडूरी जी का सपना भी पूरा नहीं कर रहे, खंडूरी जी का सपना था लोकायुक्त, नहीं नहीं उसमें दो किस्म का था ना, एक तो पार्लियामेंट ने पास किया था सर्वसम्मति से कि भाई आपके लिए अम्ब्रेला कानून ये है, आप विधानसभा में इसमें पास कराओ, हमारी विधानसभा पहली विधानसभा थी जिसने वो पास कराया, बिल्कुल कानून बन गया, गठन की प्रक्रिया शुरू हुई, बीजेपी ने उसमें रोड़े अटका दिए, जिस व्यक्ति के लिए रोड़े अटकाए वो जस्टिस जेसी रावत को, उन्होंने फिर उनको क्या कहते हैं अपने को, उनको जिम्मेदारी दे दी। अगर वो कानून होता तो आज कोई भी चला जाता, उसमें लोकायुक्त के सामने जाता, जांच हो जाती है, किसी कर्मकांड बोर्ड की हो या किसी भी कांड की, सारी जांच हो जाती है। लेकिन इन्होंने वो तो होने ही नहीं दिया, और यही होशियारी कर दी, वो लोकायुक्त बिल जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, उन्होंने कहा 3 महीने के अंदर गठन करो लोकायुक्त का, इन्होंने विधानसभा की फाइल में डाल दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेचर को नहीं बोल सकता है कि आप ये कानून बनाओ ये न बनाओ। विमला जी इत्तेफाक रखते ना जयसर की बात से आप, क्योंकि देखिए अगर लोकायुक्त का मसला होता तो बहुत सारे 56 घोटाले खुल गए होते, और इसमें तो आप भी भागीदार है, आपको भी सत्ता मिली और लोकायुक्त को लेकर भोगड़ा जी भी खामोश रहे और हरीश रावत जी भी, और अब 5 साल और गुजर गए, है कि नहीं विमला जी? ऐसा कुछ नहीं है, देखिए हरीश रावत जी ने हमेशा इस लोकायुक्त बिल के लिए लड़ाई लड़ी, और आज भी कहते हैं, देखिएगा अभी 2022 में हमारी सरकार आएगी तो हम इस बिल पे फिर काम करेंगे। कैसे यकीन मान लूं मैडम, मुझे एक बात बताइए, 100 दिन संजीव वर्मा जी, अब ऑडियो आ गया संजीव वर्मा जी का, एक सेकंड, बंद करने की जरूरत नहीं है जी। संजीव वर्मा जी ने कहा, संजीव वर्मा जी अब आ रहे ना ऑडियो, फोन कट गया, ओके कोई बात नहीं। एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या उत्तराखंड की जनता को रविंद्र आनंद ये जानने का अधिकार नहीं है कि कितने करोड़ का घोटाला हुआ, कितने करोड़ का घोटाला हुआ कर्मकांड कल्याण बोर्ड में, क्या उत्तराखंड की जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है?
रविंद्र राणा का अधिकार है, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल है और बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसके लिए एक ऐसे सरकार, एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो सफाई से काम करे, जो काम की राजनीति करते हो, ऐसे नेता जो भ्रष्टाचार में खुद लिप्त हो, ऐसे नेता जो कहते हो मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, जिसको जितना लूटना है लूट ले, और वो भी ऑन द माइक बार बार टारगेट कर रहे हैं आप, बार बार हरीश रावत और हरक सिंह मैं दोनों को टारगेट कर रहा हूँ। बीजेपी जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, उसके खुद के विधायक, खुद के बीजेपी के मंत्री, खुद के पूर्व मुख्यमंत्री तक मंत्री पर लांछन लगा रहे हैं। बीजेपी खुद कह रही है कि घोटाले हुए हैं, शमशेर सिंह जो फर्तियाल है, फर्तियाल जो ये किसके अध्यक्ष है, इसे किसने नामित किया, बीजेपी ने नामित किया, बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी के नेता है, वो खुद कह रहे हैं कि घोटाला हुआ। तो भैया जब वो खुद ही कह रहे हैं घोटाला हुआ, तो घोटाला हुआ है। तो अगर वाकई में संजीव वर्मा जी, आप मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी आ रहा है। सर एक बात बताइए ना, जीरो टॉलरेंस की सरकार ना चाल चरित्र और चेहरा, जीरो टॉलरेंस ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सर सरकारी आदेश के बावजूद भी डीएम अपनी रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे, आपको क्या लगता है? देखिए इसमें जो भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा, सरकार उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, और हमारी सरकार ने पहले ही इसमें जांच के आदेश दिए हैं। सरकार ने अपनी तरफ से पैरवी करते हुए, अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ते हुए कार्यवाही की है। आप देखिए, कोई भी घोटाला हो जिसको लेकर मसला सामने आ रहा हो, भ्रष्टाचार की बात हो, आप तो जीरो टॉलरेंस का दावा है ना आपका। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 6 महीने से ज्यादा हो गए रिपोर्ट डीएम नहीं दे रहे, आपको क्या लगता है कोई दबाव है? किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, लेकिन सवाल पूछ रहा हूँ, प्लीज एक सेकंड। हाँ जी संजीव, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं। अच्छा, लेकिन इसमें जो भी अधिकारी है सरकार के आदेश, किसी की भी भूमिका दोषी पाई जाएगी, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी। सर भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं कर्मकार बोर्ड में? देखिए भ्रष्टाचार हुआ या नहीं वो तो एक जांच का विषय है। नहीं तो जांच कौन करेगा? जांच चल रही है इस पे। कब चल रही है सर? डीएम तो जांच पे, जांच इस पे जांच चल रही है। डीएम तो जांच, जो भी जांच कर ही नहीं रहे। डीएम की जांच की होती तो रिपोर्ट थोड़ी ना होती। हम NS-74 की भी हमने निष्पक्ष जांच के आदेश दिए थे, हमने उसमें जो भी अधिकारी दोषी पाए गए थे उनको जेल तक भेजा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। छात्रवृत्ति घोटाले में हमने जांच करवाई है, उसमें हमने जो सरकारी राजस्व का नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करवाई है। अगर लोकायुक्त होता तो ये लोकायुक्त के मसले को लेकर आज ये भ्रष्टाचार होता ही नहीं। कर्मकार बोर्ड को लेकर कोई भी जाकर इस पर शिकायत कर सकता था। आपने कहा था कि 100 दिन में हम लोकायुक्त लेकर आएंगे। सर सरकार ने अपने वायदे के अनुसार लोकायुक्त बनाया, लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकारें थी, लोकायुक्त का जो बिल है ऊपर जाके अटक गया, उसको पास नहीं होने दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ये कहते थे कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार है ही नहीं, तो लोकायुक्त की जरूरत क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री यही कहते थे, बिल्कुल सही कहते थे, जीरो टॉलरेंस की सरकार। खंडूरी जी को समझा देना आप कि आप लोकायुक्त क्यों नहीं कराए, क्यों आपने विधानसभा में लोकायुक्त का बिल पास करवाया। उनका कहना बिल्कुल सही था, हमने किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार होने ही नहीं दिया। और यदि 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 किसी स्तर पे, यदि किसी स्तर पे कोई भी भ्रष्टाचार पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। क्योंकि विभागीय मंत्री का दबाव रहा, आरोप ये लग रहे हैं कि विभागीय मंत्री का दबाव रहा, इसलिए जो है डीएम अपनी रिपोर्ट तक नहीं दे पा रहे। देखिए कोर्ट सीबीआई को आदेश करता है कि मुख्यमंत्री की जांच करो, वही कोर्ट ये वाकई में कई सवाल है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका भी, संजीव जी आपका भी, जय सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, विमला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये उत्तराखंड के महत्वपूर्ण सवाल है जिसके जवाब तलाशना आज भी जरूरी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। पिटीशन में एलिगेशन है कि इसमें
कई सौ करोड़ का घोटाला बोर्ड में हुआ है। माननीय न्यायालय ने जो कहा है उसका पालन किया जाएगा। यही वो कर्मकार कल्याण बोर्ड है जिसके चलते यहाँ एक एक नहीं दो दो मुख्यमंत्रियों को अपना पद गंवाना पड़ा।